ये है आपका जादू, चलती फिरती सोडा शॉप की दुकान। तो मैं आपको कुछ लोगों को बुला लेता हूँ और पिलाता हूँ उनको आपको जूस, ठीक है? अच्छा मैं आपको बता दूँ चलती फिरती दुकान का फ़ायदा क्या होता है। दोस्तों चलती फिरती दुकान का फ़ायदा सबसे बड़ा वो ये होता है कि, हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इलेक्ट्रिक इंडिया EV28। और आज मैं जहाँ आया हूँ मैं आपको एक जादू दिखाने वाला हूँ। जादू कुछ ऐसा है कि चलती फिरती दुकान में हमेशा कहता हूँ, और ई रिक्शा जो है वो चलती फिरती दुकान का जो सपना है या चलती फिरती दुकान का जो आइडिया है उसको सच करता है। और इसलिए आज जो मैं बताने वाला हूँ आपको, आज जो दिखाने वाला हूँ वो शायद ही आपने कहीं देखा होगा, चलती फिरती दुकान, चलती फिरती सोडा शॉप। और इससे पहले मैंने बहुत दो वीडियो बनाई है ईवा ई रिक्शा के लोडर को लेकर, जिसमें मैंने आपको 3000 तक वॉट का मोटर, मजबूत से मजबूत, जो अभी तक का सबसे मजबूत जो ई रिक्शा है, ई लोडर है, वो मैंने आपको दिखाया। अगर आपने वो नहीं देखा, इधर का लिंक आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। आज मैं आपको एक जादू दिखाने वाला हूँ जो कि ये है ऑटो डिज़ाइन वाला लोडर। पहले इसके फीचर्स की बात करते हैं, फिर इसके बारे में जो इसका जादू है, जो सोडा शॉप का जादू है, इसमें एक चलता फिरता सोडा है, वो हमें दिखाएंगे। तो पूरी वीडियो देख के ज़रूर जाएं। दोस्तों सबसे पहले हम फीचर्स की बात करते हैं, छोटे मोटे जो फीचर्स, उसके बाद जादू दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपका जो स्टेनलेस स्टील का मडगार्ड लगा है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर एक और मडगार्ड भी लगा है, और ये सामने बिल्कुल ऑटो डिज़ाइन में आपको जो मिल रहा है, इंडिकेटर हो गए आपके, जो यहाँ पे अंदर LED लाइट है जो मिल रही है, ठीक है, ये सब चीज़ें मिल रहा है। इसके बाद अगर टायर की बात करें तो टायर आपको यहाँ पर 3/75/12 के टायर मिल रहे हैं, ठीक है, तो टायर आपको 3/75/12 के मिल रहे हैं, और जो मैक्सिमम मजबूत लोडर है वो यहाँ पर आपको मिल रहा है। अच्छा इधर आइए तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको CY के जो शॉकर है वो मिल रहे हैं, देखिए CY के शॉकर मिल रहे हैं, आपको ड्रम ब्रेक मिल रहा है, और जो लोहे की है वो रिम मिल रहा है, क्योंकि लोडर में जो लोहे की रिम ही रहती है। अच्छा अब मैं बात करूं कि इसमें अंदर क्या है, ये देखिए अंदर आ जाते हैं तो ये है। अब देखिए ये जो सोडा शॉप का जादू है, ये आप किसी भी लोडर में करवा सकते हैं, लेकिन सोडा दोस्तों ऐसी चीज़ होती है जो एक बहुत, मतलब अगर आप एक बहुत डिसेंट बंदा करता है तो वो नहीं चाहेगा कि मैं खुली धूप में सब कुछ खुला खुला लेके ई रिक्शा या जो खुला लोडर होता है उसमें जाऊँ, तो वो चाहेगा मैं ऑटो डिज़ाइन में। तो ये है ऑटो डिज़ाइन आपके लिए। इसमें देखिए एंट्री करने का जो सिस्टम है ये रहा, इसको मैंने खोला, यहाँ से एंट्री हो गई। अच्छा इसको मैं यहाँ पे अंदर आ गया और सिंपली जैसे नॉर्मल बंद करते मैंने यहाँ पे बंद कर दिया, हो जा हाँ हो गया, ठीक है। बंद करने के बाद अब ये सामने देखिए, सामने सिस्टम क्या है कि यहाँ पे मेरे को सारी चीज़ें, यहाँ पे वाइपर मिल रहा है, इसको ऑन कर देता हूँ मैं, देखिए यहाँ पे मेरे को वाइपर मिल रहा है। उसके बाद आगे जो नॉर्मल रिक्शा में होता है, ये एक ऑटो डिज़ाइन और नॉर्मल रिक्शे में जो मेजर फ़र्क है वो यही है कि इसमें आपको क्लोज मिलता है, मतलब पूरा जो चीज़ है वो क्लोज मिलता है, और ई रिक्शा में आपको थोड़ा सा खुला खुला मिलता है। क्लोज का फ़ायदा ये है दोस्तों, आपको चलाने में सेफ्टी फील होती है, सिक्योरिटी फील होती है। ई रिक्शा में आप यहीं से टकरा दें, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कहीं भी टकराएंगे तो आपका खुद, आप जो पर्सन हो वो सेफ रहोगे, ठीक है। बात करें इधर तो यहाँ पर देखिए आपको, यहाँ पे आपको थ्रॉटल मिल रहा है, थ्रॉटल के बाद आपको बैक गियर का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आपको ब्रेक मिल रहा है, और एक बढ़िया ब्रेक यहाँ भी मिल रहा है जो कि काफ़ी, देखिए काफ़ी स्मूथ है। और यहाँ पर इधर आप इधर देखेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक भी मिल रहा है, इसको मैंने दबाया और ऊपर खींच दिया तो हैंड ब्रेक भी लग गया, ठीक है। इसको यहाँ पर मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा ये चीज़ हो गई। इधर देखिए जो मैंने पहले भी बात की थी, इसका जो यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर इसका चार इंची का इसका आपका चेसी है, चेसी का जो नेक है वो है, प्लस एक यहाँ पे भी प्रोडक्शन जो है, ये देखिए एक ये है एक ये है, तो यहाँ डबल प्रोडक्शन आपको मिल रही है। और जनरली रिक्शा 2.5 के दो करते हैं, पर यहाँ पे इन्होंने एक ही कर दिया 4 इंच का, तो वो मजबूती के हिसाब से वो आप किस तरह से मजबूती बना सकते हैं। प्लस
अगर बात करते हैं कि यहाँ पे आपको डिजिटल मीटर मिलता है, अगर आपको एनालॉग बोलेंगे एनालॉग मिल जाएगा, बाकी ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ पे देखिए बैठा हूँ मैं यहाँ पर, तो हाइट थोड़ी सी कम है क्योंकि जिसने इसको बनवाया है, जो क्योंकि ये हमेशा नहीं बनता, ये एक ऑर्डर पे बना है और जिसने बनवाया उसको इतनी हाइट चाहिए थी तो इसलिए इतना बनाया। अगर आपको ज़्यादा हाइट चाहिए, आप बड़े हो, तो आप बड़ी हाइट का बनवा सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। दोनों तरफ आपको यहाँ पे साइड मिरर आपको दोनों तरफ मिल जाते हैं। अच्छा, ये तो हो गई मेन चीज़ें, अब हम ये तो हो गई नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं हर ई-रोडर में वो। अब हम एक बार आपको दिखाते हैं कि इसका जो कंट्रोलर कन्वर्टर है उसका हिसाब क्या है। दोस्तों हर ई-रोडर की तरह यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे आपको कैबिन मिल जाएगा जहाँ पर आपको सारा सामान रख सकते हैं, बैटरी का जो वो है सब मिल रहा है, ठीक है। फिर इसको हम बंद करते हैं, बंद करने के बाद इसको खोला हमने, तो यहाँ पे हमने इसको खोल दिया। खोलने के बाद देखिए यहाँ पर आपको जो कंट्रोलर है, सीवाई का कंट्रोलर है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जो मिल रही है, ठीक है, इसको, और यहीं से आपको बैटरी भी दिख जाती है। इसको बंद कर देते हैं। दोस्तों बात करूँ इसमें मोटर की, तो आपको 1200 वाट का मोटर फिलहाल लगा हुआ है क्योंकि इनके जो इनका जो काम है, और क्योंकि इसमें ज़्यादा लोडिंग करनी नहीं है, आपको जो पहले से डाला हुआ है जूस का कैन वैन वो इसमें डाला हुआ, बाकी कोई खासी लोडिंग करनी नहीं है, इसलिए इनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं। बाकी अगर आपको 1500 चाहिए, 2000 चाहिए, 3000 चाहिए, आपके हिसाब से इसमें ऊपर नीचे होता रहेगा, वो आपकी अकॉर्डिंग है, ठीक है। अच्छा, बेसिक बात हो गई, अब चलते हैं इसके जादू पे। पहले इधर आइए, इसमें लगा है एसी, तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है पूरा कूलेंट का जो सिस्टम है वो यहाँ पर लगा हुआ है। अब ध्यान से देखिए, पूरा जो यहाँ पे कूलेंट का सिस्टम, और यहाँ से हवा जो है बाहर आने का रखा हुआ है। उसके अलावा इधर आइए, यहाँ पर पूरा आपका बड़ा सा सिस्टम दे रखा है। इसके अंदर देखो दोस्तों क्या है, ये सारी कहने हैं, इसके अंदर जूस भरे हुए हैं, अलग अलग सोडा शॉप के जो जूस होते हैं, मसाला सोडा, फ्रूट बियर, आपका ब्लूबेरी, फिर मैंगो, ऑरेंज, लेमन, जो भी आपका होता है फ्लेवर के हिसाब से यहाँ पे भरा हुआ है, इतनी सारी जो भी कहने में है। उसके बाद उधर है आपका सोडा शॉप, और यहाँ पर आपका कार्बोनेटेड CO2 का जो है सिलेंडर लगा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको इन्वर्टर रखना है तो इन्वर्टर इसके ऊपर रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल पैक, बिल्कुल बना कर दी गई है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बना कर ये डब्बा दे दिया है और आप खुद बनवा लो, नहीं, पूरा आपको ये बना कर दिया हुआ है, पूरा असेंबल्ड है A to Z। पानी आपने बोला जूस का, तो जूस का पूरा बना के दिया, पूरा यहाँ पर सिस्टम बदल रखा है। और बात करें ये देखिए दोस्तों, ये दो तीन चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर कुछ आपका कैन है तो यहाँ रखा हुआ है, मतलब रखने की जगह बात करो तो ये देखिए, इसमें आपको जूस पड़ा है तो जूस मैंने यहाँ रख दिया, मतलब जो जाहिर सी बात है आप जब काम सेटल करके बंद करेंगे तो भी कुछ सामान आपका होगा जो रखना होगा, तो ये सारी चीज़ें जो, ये सारी चीज़ें आपको रखनी पड़ेगी, जो कि मैं यहाँ पे आपको रख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर ये है चीनी है, तो ये है पूरा, इसको यहाँ पे मैंने रख दिया, मैं छोटी मोटी चीज़ जो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं, और ये पूरे इस तरफ से आप कर सकते हैं। उसके बाद इसको बंद कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे बंद हो गया, और ताला वाला आपके हिसाब से लगा सकते हैं। अब जो बात करते हैं मेन जादू की, इधर आइए। अब जो आपको सोडा सिस्टम है वो ओपन नहीं है, मतलब हवा में नहीं है कि कहीं भी हो जाएगा, ओपन नहीं है, बिल्कुल बंद है। यहाँ पर आप देखिए दो लॉक है, एक तो यहाँ भी आप लॉक लगा सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर भी लॉक लगा सकते हैं। इसको मैं खोलता हूँ, ये मैंने खोल दिया, खोलने के बाद ये है आपका जादू, चलती फिरती सोडा शॉप की दुकान। तो मैं आपको कुछ लोगों को बुला लेता हूँ और पिलाता हूँ उनको आपको जूस, ठीक है। दोस्तों मैं ट्राई करके देखते हैं कि ये सोडा शॉप है, इसमें देखिए फ्लेवर, देखिए फ्लेवर स्ट्रॉबेरी है, कोला है, मसाला सोडा है, ब्लूबेरी है, फ्रूट बियर और लेमन है। आपके हिसाब से आप अगर कुछ और करना है तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। और ये यहाँ पर मैं आपको पिलाता हूँ, भैया इधर आइए, हाँ जी, आपको कौन सा चाहिए? लेमन चाहिए, चलो आपको लेमन पिलाते हैं। बस ये लो जी, आइए भैया, आपको भी पीना है? स्ट्रॉबेरी पीना है, चलो स्ट्रॉबेरी पिलाते हैं। ये वाला स्ट्रॉबेरी दोस्तों, ये रेड कलर का दोस्तों स्ट्रॉबेरी, ये लो। तो आप और भैया आपको भी चाहिए, आपको क्या चाहिए? फ्रूट बियर चाहिए आपको, चलो फ्रूट बियर पिला देते हैं, हो गया फ्रूट बियर, ठीक है, ये फ्रूट बियर हो गया। तो भैया को मैंने पिला दिया है फ्रूट बियर, अगर आपको दोस्तों कुछ भी चाहिए इसमें से बता दीजिए, मिल जाएगा।
ठीक है। तो ये है आपका मसाला सोडा, ब्लूबेरी फ्रूट बियर, मतलब अगर इसके अलावा ऑरेंज लेमन अगर और कुछ भी कराना चाहते हैं वो आपके हिसाब से जो आप कराना चाहते हैं। तो ये है आपका जादू। इधर देखिए यहाँ पर लीची भी है, लीची, और इधर आइए यहाँ पर मैंगो भी है। तो ऑलमोस्ट इन्होंने सारे फ्लेवर डाल रखे। अच्छा, इसको बंद करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, पूरा इसका जो सिस्टम है वो एक चलती फिरती दुकान है। अच्छा मैं आपको बता दूँ चलती फिरती दुकान का फ़ायदा क्या होता है। दोस्तों चलती फिरती दुकान का फ़ायदा सबसे बड़ा वो ये होता है कि अगर आपने मान लो एक फिक्स दुकान ली, आपने एक जगह दुकान ली एक जगह लगाया और एक महीने तक वहाँ रुके, दो महीने तक रुके, आपकी कमाई नहीं हो रही, वहाँ पर बंदा कोई आ ही नहीं रहा, अब दिक्कत है, उसका रेंट भी फालतू को दे रहे हैं, सब कुछ दिक्कत आ रही है। लेकिन चलती फिरती दुकान का फ़ायदा ये होता है, मान लीजिए आप एक जगह कहीं रुके, आपने देखा यहाँ तो कमाई नहीं हो रही है, मान लीजिए आप गली नंबर एक में रुके, आपने देखा कमाई नहीं हो रही है, या किसी और किसी चौधरी चौक पे, गुज्जर चौक पे रुके, आपने देखा यहाँ कमाई नहीं हो रही है, आपने सोचा यहाँ नहीं हो रही है, चलो चलती फिरती दुकान है, कहीं और लेके चलते हैं। अब आप कहीं और लेके चले गए, अब दो तीन जगह जाएंगे, दो हर दिन हर जगह तीन तीन बार पाँच पाँच रहेंगे, तो जाहिर सी बात है किसी एक जगह तो आपको पता चल ही जाएगा भाई यहाँ कमाई हो रही है, और उस जगह पे आप अपना डेरा डाल सकते हैं कि भैया हम रोज़ शाम को आपके यहाँ पे आपको सोडा पिलाएंगे। अच्छा ये तो होगी शाम की बात, शाम को एक जगह पे आपको सोडा पिला दिए, लेकिन दिन भर आप गलियों में घूम सकते हैं, क्योंकि लोग अभी होता क्या है, दिन में आप लोगों को आता है आरस कि भाई हमें कुछ पीना भी है लेकिन बाहर भी नहीं जाना क्योंकि गर्मी है। उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आप गली गली घूम सकते हैं, जो गली गली जाके घूम सकते हैं और अपना हॉर्न वॉर्न लगा सकते हैं, जिसकी वजह से जो जिस लोगों को जिस आदमी को जो सोडा पीना होगा वो पी सकता है, और आपका पूरा जो सिस्टम है वो अरेंज कर सकता है। और सिर्फ देखिए दोस्तों, ये तो मैं सोडा की बात कर रहा हूँ, इसको बंद कर देते हैं, ये सिर्फ बात हुई सोडा की, सिर्फ सोडा की बात नहीं है। अगर आपको कोई भी दुकान, मान लीजिए पानी वाला लेके जाना है, या बोतलें सप्लाई करनी है, या आपको किसी मतलब आपके वेजिटेबल्स, आपको सब्जियां इधर उधर लेके जानी है, सब्जियां बेचने का काम करना है, या आपको किसी ठेला लगाना है, जो ठेला लगता है मान लीजिए पाव भाजी का हो गया, फास्ट फूड का हो गया, जैसे कि समोसा जलेबी हो गया आप डालते हैं, या मोमोज का हो गया ठेला, तो बहुत सारे ठेले हैं, उसमें से कोई भी अगर आपको करना है चलती फिरती इधर उधर, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ईवा ई रिक्शा, ईवा लोडर, नंबर भी नीचे आ रहा है। अगर आपको किसी, आपके दिमाग में दोस्तों बिजनेस आइडिया है कि भैया मेरे को, आपको मोमोज अच्छे बनाने आते हैं, बिजनेस आइडिया दिमाग में आपको भाई ये चीज़ करनी है, तो आप अपने हिसाब से जिस तरह का भी आपको काम है, चाहे वो पानी का काम है, जो भी काम है, उससे आपसे आप वीडियो के नीचे कॉल करके ऑर्डर कर सकते, स्पेशल ऑर्डर होते हैं दोस्तों यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि बल्क में 3-4-5 बन रहे हैं आपको मिल जाएगा, नहीं, स्पेशल ये दोस्तों, ये पूरा जो कंटेनर है ऑटो डिज़ाइन में पीछे जूस वाला, सब आपको स्पेशल ऑर्डर पे मिला है, किसी ने इसको ऐसे नहीं कि 10-12 बनाते, नहीं, स्पेशल ऑर्डर पे बना, और पूरा इन्होंने आप देखा, मैं दिखाया मैंने आपको, पूरा सेट करके दिया है, ऐसा नहीं है कि आपको डब्बा दे दिया बाकी बाहर से करो, नहीं, पूरा सेट करके दिया। तो अगर आपको पानी का करना है, जिसके बाद कोई सा देखिए, यहाँ देखिए किसी एक भैया थे, उनको सरिये का काम था, तो सरिये के काम के लिए देखो यहाँ सरिया वाला दे रखा है, ठीक है, सरिया वाला का हिसाब क्या है, यहाँ से आपने डाला सरिया और ये पूरा लंबा होकर यहाँ पर आ गया। अब जाहिर सी बात है सरिये में मोटर ज़्यादा चाहिए, तो इसमें 3-4 हज़ार वॉट का मोटर लगा हुआ है, अपने हिसाब से आपको जितना लोड करना है, ठीक है। इधर देखिए, इसमें आपको हाइड्रोलिक ब्रेक मिल रहा है, ठीक है, ये ब्रेक है, हाइड्रोलिक ब्रेक मिल रहा है, और ये देखिए ये आपको जो हैंड ब्रेक है वो भी पहले से काफ़ी मजबूत मिल रहा है, देखिए, देख रहे हैं आप, पकड़ के देख सकते हैं, अगर दिख रहा है आपको बिल्कुल मजबूत सा, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों जूस का। अगर इसके अलावा आपको कुछ भी बनाना है तो वीडियो के नीचे कॉल करके आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने इससे पहले एक और लोडर, मैंने लोडर की वीडियो बनाई थी ईवा ई रिक्शा की, अगर वो वीडियो भी नहीं देखी तो वो वीडियो यहीं कहीं आ रही होगी, वो देख सकते हैं, या वीडियो के नीचे मैं लिंक में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं ईवा रिक्शा में, और नए नए, एक दोस्तों इन पर पाँच टायर वाला लोडर भी है, वो जैसे ही बन जाता है मैं आपको उसकी भी वीडियो जल्दी बनाने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।